सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो मैंने डायलर ओपन कर लिया है एंड डायलर ओपन करने के बाद एक सिक्योरिटी कोड में एंटर करूंगा एंड एंटर करने के बाद जब भी मैं हैच एंटर करूंगा तो गाइस यहां पे आप लोग देख सकते हो मैंने फ्री फायर गेम को हाइड कर रखा है मेरे पेरेंट्स से। तो अगर आप करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा मोबाइल फोन के होम स्क्रीन पर कहीं पर भी आपको फ्री फायर गेम देखने को नहीं मिलेगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नी वीडियो। और एक एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूँ कि कैसे आप फ्री फायर गेम को हाइड कर सकते हैं, आप अपना स्मार्टफोन के अंदर उसको छुपा सकते हैं। सो गाइस आप लोग फ्री फायर गेम को छोड़ के किसी दूसरे गेम को आप लोग हाइड करना चाहते हैं, यानी कि आप लोग छुपाना चाहते हैं स्मार्टफोन के अंदर एंड किसी को ना लगे कि आपके फ़ोन के अंदर फ्री फायर गेम इंस्टॉल है, तो आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। सो गाइस फ्री फायर गेम ज़्यादातर बच्चे लोग ही खेलते हैं, अपने पेरेंट्स फोन में डाउनलोड करके प्ले करते हैं। तो गाइस ऐसे में होता क्या है कि जब भी पेरेंट्स के हाथ में मोबाइल फोन जाते हैं तो वो लोग फ्री फायर गेम को अनइंस्टॉल कर देता है। तो गाइस ऐसे में आप लोग फ्री फायर गेम को आप अपने पेरेंट्स के फोन के अंदर हाइड करना चाहते हो, आप लोग छुपाना चाहते हो, तो बहुत ही ईजी तरीके में आप लोग इसको छुपा सकते हो। तो कैसे छुपाना है मैं इस वीडियो में फुल डिटेल्स में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिए। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। सो गाइस सबसे पहले वीडियो को एंड तक वॉच कर लीजिए एंड वीडियो को एंड तक वॉच करने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि मैं हमेशा इस टाइप का वीडियो लाते रहता हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल एंड फायदेमंद हो सकता है। तो हमारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना टाइम का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोगों को दिखा देते हो कैसे आप अपना फ्री फायर गेम को स्मार्टफोन के अंदर छुपा सकते हो एंड आपका पेरेंट्स को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हो मेरा मोबाइल फोन का स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं एंड अभी मैं रियलमी फोन यूज कर रहा हूं। सो गाइस अगर आप रियलमी छोड़ के किसी दूसरे कंपनी का डिवाइस को यूज करते हो तो भी आपके फोन में काम करेगा, तो 100% काम करेगा अगर आप अपने पेरेंट्स से फ्री फायर गेम को यानी कि आप लोग किसी भी टाइप का गेम को आप लोग हाइड करना चाहते हो या छुपाना चाहते हो, आप लोग बहुत ही इजी में छुपा सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले आपको मोबाइल फोन का सेटिंग्स ओपन कर लेना होगा एंड सेटिंग्स ओपन करने के बाद गाइस नीचे एक ऑप्शन मिलेगा तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। तो नीचे आप स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड यहां पे फिंगरप्रिंट्स एंड फेस एंड पासवर्ड इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा एंड क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का पेज आएगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे सेट प्राइवेसी पासवर्ड का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा एंड क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ऊपर में आप लोग सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट कर लेना होगा, तो मैं यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड सेट कर लेता हूँ एंड सेट करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग किसी भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को चूज कीजिए, उसको उसका आप लोग आंसर दे दीजिए एंड आंसर देने के बाद ऊपर में जो डन का एक ऑप्शन है तो सिंपली आपको डन के ऊपर क्लिक करना होगा एंड डन के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिलता है ऐप लॉक, तो सिंपली आपको ऐप लॉक के ऊपर क्लिक करना होगा। तो ऐप लॉक को ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ स्टेप से पेज आएगा, तो यहाँ पे आप लोग जिस जिस एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हो उस एप्लीकेशन को आप लोग चूज कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे फ्री फायर गेम को हाइड करना चाहता हूँ मेरे पेरेंट्स से, तो मैं फ्री फायर गेम को यहाँ पे चूज कर लिया, उसको लॉक के ऊपर क्लिक कर दिया एंड लॉक के ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर में एक ऑप्शन मिल रहा है शो लॉक ओनली, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जो लॉक किया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है हाइड फ्रॉम होम स्क्रीन, तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक कोड एंटर करना पड़ेगा, तो डायलर में जाके कोड एंटर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कैसे आपको एंटर करना पड़ता है। तो सिंपली मैं इसको ऑन कर देता हूँ फिर से, तो यहाँ पे मैं इसको ऑन कर देता हूँ एंड ऑन कर देने के बाद यहाँ पे चेंज एक्सेस कोड मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी कोड एंटर कर रखा है। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेप का कोड एंटर करना पड़ेगा, तो पहले आपको हैच एंटर करना होगा एंड हैच एंटर करने के बाद आप लोग जो कोड एंटर करके फिर से आप लोग हैच एंटर करोगे उसके बाद यहाँ पे ऊपर में जो डन का ऑप्शन है आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप लोग कुछ भी कोड दे सकते हो, वन भी दे सकते हो, टू भी दे सकते हो, कुछ भी कोड दे सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे डायलर ओपन कर लेता हूँ और वो कोड में एंटर करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्री फायर गेम हाइड हो चुका है मेरा होम स्क्रीन से, तो मैं यहाँ पे डायलर ओपन कर लूंगा एंड डायलर ओपन करने के बाद जो कोड मैंने एंटर किया था वो कोड यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एंड एंटर करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने
हैच एंटर किया एंड हैच एंटर करने के बाद गाइस ऐप पे आप लोग देख सकते हो हिडन ऐप यानी कि मैंने फ्री फायर गेम को हाइड कर रखा है तो फ्री फायर गेम यहाँ पे आ चुका है। तो आप लोग ऐसे ही किसी भी मोबाइल फोन के अंदर किसी भी गेम को आप लोग हाइड कर सकते हो, आप अपने पेरेंट्स से उसको छुपा सकते हो। अगर आप उसको अनहाइड करना चाहते हो तो फिर से आपको उस वाले ऑप्शन के ऊपर जाना होगा। जाने के बाद यहाँ पे शो लॉक ओनली यहाँ पे क्लिक करके इसको आपको ऐप लॉक को आपको अनटिक कर देना होगा एंड अनटिक कर देने के बाद आपके मोबाइल फोन के अंदर फिर से फ्री फायर गेम आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्री फायर गेम फिर से आ चुका है। तो गाइस आप लोग ऐसे ही अपने पेरेंट्स से किसी भी गेम को हाइड कर सकते हैं, आप लोग छुपा सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो मिलता है अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।